अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बाज़ क्रीमें ऐसी होती हैं जो रंग को निखारने के लिए मशहूर होती हैं, जिनमें फेयर लवली का भी शुमार होता है। फेयर लवली से कौन वाकिफ़ नहीं है, ये डे एंड नाइट दोनों में यूज़ होती है। तो आज मैं आपको स्किन वाइटनिंग रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि फेयर लवली के रिजल्ट को दुगना कर देगी। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने लेनी है फेयर एंड लवली हमने पिंक वाली लेनी है। यहाँ पे हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे फेयर एंड लवली का किसी भी क्लीन बॉल में। अगर आपकी स्किन पे एक्नी स्पॉट्स हैं, आपकी स्किन डल है, आपकी स्किन पे टैनिंग है, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल फेयर कर देगी और आपकी स्किन को पर बहुत ज़्यादा ग्लोइंग इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसी रेमेडी है स्किन वाइटनिंग के हवाले से जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस क्रीम को आप बना के स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। मैंने पर्सनली इस क्रीम को 1 वीक यूज़ किया है। अब मैं सेकेंड टाइम बनाने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। हमने इसमें सेकेंड जो चीज़ ऐड करनी है वो है अर्के गुलाब, यानी कि रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के तो बेनिफिट्स आप सबको ही पता होंगे। रोज़ वाटर के बेशुमार फ़वाद होते हैं। ये हमारी स्किन से डस्ट वगैरह को रिमूव करता है और हमारी स्किन पे बेहतर, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो हमने अर्के गुलाब किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लेना है 1 टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी स्किन पे छाइयाँ हैं तो ये रेमेडी उनको भी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेगी। अब इसको हमने जैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर आपने इसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी लेनी है और पूरे फेस पर इसको अच्छे से लेप कर लेना है। आपने हल्के हल्के हाथों से इसका मसाज करना है और इस क्रीम को जज़्ब होने देना है अपनी स्किन के अंदर। इंशाल्लाह 1 हफ़्ता इस क्रीम के यूज़ से आपकी स्किन फेयर भी होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन पे दाने दाग वगैरह होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन पे छाइयाँ हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से आपने अपने फेस पे इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करके मसाज कर लेना है। आपने इसको बिल्कुल भी अपने फेस पे ड्राई नहीं होने देना, थोड़ी सी क्वांटिटी आपने वेट रहने देनी है। इस क्रीम को लगाने के बाद आपने 2 घंटे तक छोड़ना लाजमी है। अगर आप चाहें तो आप इसको पूरी रात भी अपने फेस पे लगा रहने दें। आपने किसी भी अच्छे फेस वॉश या सोप के साथ इसको वॉश कर लेना है। 1 ही वीक में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। अब आप मैंने आपको इतनी ज़बरदस्त रेमेडी बताई है तो आपका भी काम बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें इस क्रीम को बना के किसी भी खाली जार में महफूज कर लेना है। आप दोनों हाथों में डिफरेंस देखें, जिस क्रीम पे, जिस हाथ पे मैंने इस क्रीम को अप्लाई किया था और दूसरे हाथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस क्रीम के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स हैं जो कि आप लोगों को हैरान कर देंगे। आपने इस क्रीम को डेली बेसिस पर यूज़ करना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।